गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में शनिवार को 109 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 1,539 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 37 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसमें 744 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं जिले में अभी भी 758 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, शनिवार को कुल 109 नए मरीज मिले हैं, जिसमें जिला आपदा प्रभारी व स्वाट टीम के प्रभारी समेत 109 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहर में कुल 67 मरीज पाए गए हैं, जिसमें मियां बाजार, रसूलपुर, तारामंडल, हुमायूंपुर, शाहपुर तहसील, सदर में 3, बसंतपुर फर्टिलाइजर, पुलिस लाइन, जटाशंकर में 4, क्राइम ब्रांच में 2, मिर्जापुर में 2, छोटे काजीपुर 1, भिक्षिया में 10, बेतिहाता में 2, स्माइलपुर में 3, दीवान बाजार 1, हिमायपुर मियां बाजार, राजेंद्र नगर, साहबगंज, सिटी मॉल में 1, सिविल लाइन में 3, सिविल कोर्ट में 1, उर्दू बाजार, गणेशपुरम, गंगा टोला, अशोका गैस गोदाम, मोहद्दीपुर, मानस विहार कॉलोनी, नई बाजार, बसारतपुर, शास्त्री चौक, नरसिंहपुर, मैत्रीपुरम, संत हुसैन नगर में भी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बास गांव में 4, बड़हलगंज में 6, भटहट में 1, चरगावा में 10, चौरी चौरा में, गोला में, खोराबार में 5, पिपराइज में 9, पिपरौली में 2 व 3 अन्य मरीज समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 42 मरीज पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच की जाएगी। इलाके सील करने के साथ सैनिटाइज के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।